जानते नहीं होगी मुझे। तारीख है 30 नवंबर 2022, समय हो गया है 07:46 PM। अपने देश को बचाने के लिए इंसर्जेंसी, इससे बड़ा भी कुछ है वो तक ले सकता हूँ। क्या नब्ले साहब, क्या बात कर दी यार। अपने देश के नागरिकों को नहीं मार के खाऊंगा, याद रखना। कभी इस बात की इच्छा नहीं रखी कि मैं ये देश छोड़ के चला जाऊं युद्ध पे या किसी मामले में, तो पीठ पीछे इस देश में रहने वाले मेरी सत्ता भोगेंगे, कोई इच्छा नहीं है। और कमा किसके ला रहा, कमाया किसके लिए, किया किसके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। मेरी उम्र तक देश नहीं है, मेरी उम्र तक तो मेरी ड्यूटी है। अंदाजा नहीं है मेरे बारे में, मैं क्या सोचता हूँ, क्या कर सकता हूँ। पर यकीन जानना, सरहद के उस पार चाहे उस पार चाहे उस पार, दोनों कदम अगर रख दिए तो सोच एकदम साफ रखी हुई है। बेटा जमीन पे लेट गए मेरे सामने तो बच गए, ये तो गए काम से, कोई बात नहीं। और समझ में आई, कोई बात नहीं है। यहां से मेरे साथ युद्ध में लड़ने जाने वाला अगर मुसलमान ही क्यों ना हो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन रसूल अल्लाह बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। सिख होगा तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हिंदू होंगे तो हर हर महादेव। ईसाई जाएगा प्रेज द लॉर्ड। चलने वाला तो बनना, यहां बैठ गए तो काम का मजलिस लगा रहा है तो मेरे काम का तो है नहीं भाई। तू समझ में आई। हाँ, आज के बाद अगर कोई, मैं जिनके नाम ले रहा हूं इनमें से कोई जिंदा हो तो साबित कर दे तो सोचना पड़ेगा, ये शायद कहीं कमी रह गई। आईएस हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम, जिंदा हो तो साबित कर। फुल नेटवर्क मार दिया, मारा। समझ में आई। मैं तो बहुत पहले, मैं सीधी बात जानता हूं, मैं अपनी सोच में रहने वाला आदमी हूँ। पैसा जो भारत के अंदर है वो भारत का है। अरे कितना पहन लूंगा यार, बताया ना, ये वाली 27 लाख करोड़ की है ये जैकेट, एक कितनी पहनूंगा, कितने कपड़े पहन लूंगा। 10,827 कमरों के महल में अकेला कितना कितना बड़ी जगह घेरूंगा। पर जीत इतिहास में दर्ज होती है। कितने इतिहास के पन्ने घेरने वाला हूं इस बात की होड़ है, शायद आप नहीं पहचान पाए मुझे। स्क्रीन पे कितने घंटे आ रहा हूं उससे फर्क नहीं है, इतिहास के कितने पन्ने मेरे नाम से लिखे जाने हैं। समझ में आए, इतिहास में कॉपी के कितने पन्नों पे हितेश लिखा जाएगा। इतनी सी पढ़ाई करके तो आया ही हूं। दाऊद इब्राहिम पता है कहां मारा? पता लगा नहीं पता लगा। दाऊद इब्राहिम एक ऐसी जगह पे था, जानते तो थे सब, और मारा कैसे बताता हूं आपको। दिन में जब मैं उठा तो पहले एसपीजी में जाके चेक कराया सब कुछ, कौन कहाँ है।
हाँ तो सही, ये मिला जाकर देनी पड़ती है, एसपीजी स्टोरीज देनी पड़ती है। पता है कहाँ था दाऊद इब्राहिम? बारादारी में लिख, और जिस लोकेशन पे था उसी लोकेशन से आरबी मीट और एसबी मीट इंसानी मांस का कारोबार चला रहा था। आज मारा, दिन में मारा सर, मेरी एयरफोर्स ने मारा, F-22 ने। पता है कैसे? वो अपने ऑफिस में था, उसके ऑफिस और उसके घर के बीच की दूरी मात्र 30 से 40 मीटर होगी। बारादारी में उसी जगह जहां बचपन में मुझे ले जाया गया था, ठीक उसी जगह के सामने एक मकान था जो पहले राबी पीजदा के मकान के बगल में था। वहां एक ऑफिस था उसका, उसकी इंटरनेट पे एक फोटो है, सोफे पे बैठी हुई ऐसे कुछ बड़े से चेक शो कर रहा है। वो फोटो उसकी बारादारी ऑफिस की है, और एक फोटो है उसके घर की। खा खा के मस्त हो रहा था दाऊद इब्राहिम जी। हाँ, अंडरवर्ल्ड डॉन। मैंने बिना देर कर अपनी एयरफोर्स को बोला टेक ऑफ करो, लोकेशन मैं बताऊंगा। जीपीएस लोकेशन दी सर, कर तो सही ट्रेस है, नहीं कर पाओगे। फोटो बता दी, जीपीएस लोकेशन दे दी, इस जगह है, एग्जैक्ट उसी जगह है। पता है क्या किया? जैसे ये जेट है, कलर पे मत जाना पहन के, यूएन वीएन ये मत सोचना। और दाऊद इब्राहिम जो है, जैसे यहाँ एक पॉइंट है इस जगह, पायलट पता है पहले जेट को ले गया ठीक एकदम ऊपर, उसके सर के ऊपर, वो भागते हुए उसके पैर में चोट आ गई थी क्या था, वो अपने ऑफिस से निकल के घर की तरफ भागा और फटाफट जाके पलंग में से जो है, मैं एसपीजी में चल रहा था, मैं सब देख रहा हूँ उसे एकदम, मैं करने दे से, और यहां मैं लिखते भी जा रहा। वो भाग के अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ भागा और अपने बेडरूम में गया और अपने अपने बेड से, स्लीपिंग बेड के साइड में उसने AK-47 रखी थी, ये पता नहीं कौन सा वेपन था, और छत पे चढ़ा और चारों तरफ जो है देख रहा कि कहां से जेट आएंगे। समझ तो सुन तो वो भी रहा था, यहां से सोर्स भेज रहा था, ठीक है। जेट ऐसे गया एकदम ऊपर और दाऊद खड़ा था छत पे। मेरा स्टाइल है सर, मैंने सिखाया लड़कों को, उसके एकदम सर के ऊपर ऐसे लाया जेट पूरी स्पीड में। इससे पहले सोचता, इतनी गोलियां मारी ना उसमें जेट से, छत पे ही बिखेर दिया उसे, पूरी छत ही छेद दी, और लेकर गई निकल गया जेट। ऐसे मारा सर दाऊद इब्राहिम। बकायदा लोकेशन इंटरपोल, आईसीजे, CIA, इंडियन आर्मी, दिल्ली पुलिस, सबको दे दी लोकेशन। अब देखते किसकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है। मेरे जेट्स टेक ऑफ कर गए। थोड़ी दूरी पे मरियम नवाज का भी घर है, जहां मरियम नवाज अपना ढाबा चलाती थी। क्यों मरियम नवाज? पायलट ने पता है क्या करा? वो ना लेफ्ट से आया ना राइट से, वो एकदम उसके सर के ऊपर ले गया जेट एकदम ऊपर, और वहां से वो चारों तरफ देख रहे कहां से आ रही है जेट फ्लाइट, उसके सर के ऊपर से, और एकदम यहां रख करके जो है ना एकदम फिर मारी फायरिंग, छेद दिया बंदा। फिर हाँ, और कोई है तो बताओ लिस्ट में, ढूंढ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ढूंढ लेंगे। मारा तो मारा, and it's a fault of Pakistani government। मैंने कल जब ISIS पे स्ट्राइक ओपन करी, साफ कह दिया, साफ तौर पे, इट्स अ फॉल्ट ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, दे आर गिविंग शेल्टर टू टेररिस्ट। मैं सोचने का, आपको डिबेट का मौका नहीं देने वाला। ऑल ओवर भारत से युद्ध लड़ने के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड से
नामी ग्रामी टेररिस्ट, अंडरवर्ल्ड डॉन्स और कैनिबलिस्ट सब पहुंच रहे हैं। आओ तो सही। उधर से रेजिमेंट बढ़ाई, मेरे को मैडम ने इन्फॉर्म किया, एक इंटरनेशनल आसत है हमारी यहाँ से, सऊदी से हैं, शी चोल रही कि रेजिमेंट बढ़ाई है। उन्हें परवाह नहीं है, बढ़ाने तो बहुत बड़ी आर्मी है। मैं इन्हें सोचने का मौका नहीं दूंगा। न्यूज़ दे के दिखाओ, क्यों क्या लगा मुझे 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 का बेवकूफ समझा है। एस फाइटर वाले हैं मैडम हम, एस फाइटर की स्क्रीन देखी थी, मैं उड़ा रहा था जहाज मैडम, मेरा स्टाइल है, सराउंडिंग में भी नहीं मार पाते मुझे। पता है सराउंडिंग में क्या किया था मैंने, चारों तरफ से जब जेट आ गए, बीच में जेट था और ऐसे टिल्ट करके उसे, समझ में आई, बीच में ऐसे घुमा दिया था सबके, फायरिंग खोल के। उस दिन पता है कितनी गोल्ड बार जीती मैंने, हैं सोच नहीं सकते, 80 करोड़ गोल्ड बार। F-35 भी मार गिराता हूं मैं, समझ में आ रही है, एस फाइटर है मैडम हितेश रेवान, एस फाइटर, आप समझे नहीं, इंडियन एयरफोर्स नहीं मैडम, एस फाइटर वाले हैं, पहचाना, पैसा कहाँ है। जब 786 में गेम जीते तो पैसा कहाँ है मरियम नवाज, क्यों इमरान खान, आपने बोला ना कि आप क्या कहते हैं एक बार गेम हमारी तरफ से भी खेलो, एस फाइटर पायलट है मैडम, लड़कों ने रिकॉर्डिंग देख ली जेट्स कैसे उड़ाए जाते हैं, मैं कहा ये देख मारते कैसे हैं, एकदम ऊपर टॉप पे लेके जाता हूँ, हाँ एयरस्पेस वॉयलेट कर देता हूँ कोई सा भी, और सीधा नाक की सीध में आते हैं पिन पॉइंट, ऐसे मारते हैं, एस फाइटर्स है मैडम, पहचाना नहीं समझे, कह रहे कौन हितेश रेवन, एस फाइटर, एस फाइटर, लॉगिन निकालो तो सही मैडम, वर्ल्ड रैंकिंग का सबसे भयानक पायलट हूं, नहीं समझे, एस फाइटर, एस फाइटर हूं मैडम, हूं सबसे भयानक हूं, डेथ मैच, डेथ मैच, 3 मिनट में राउंड खत्म कर देता हूं, 3 मिनट के अंदर। बंदे ना हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, भाई क्या पागलपन है, ये कैसा पायलट है, एस फाइटर मैडम, हैकिंग छोड़ दो, फिर से आज एक नई यूनिट बना रहा हूं, बनाना शुरू करूंगा आज से, एस फाइटर, एस फाइटर, लिखो कागज पे, मैं जैसे ही जैसे ही उसने स्क्रीन ऑन करी ना, मैं देख रहा था, मैं बिना देर करे पायलट चेंज, पायलट पर जर्क लगा, ये क्या हुआ, मैं आ गया, अबे क्या बात कर रहा है, इसकी माँ का भोसड़ा, भेड़ का लौड़ा, हमसे बड़ा बदमाश है, पायलट्स कैसे है, इसीलिए भाई से ना मैं बहुत चिढ़ है, ये जहां खतरा देखेगा वहीं गायब कर देगा, क्यों बेटा पायलट कुछ महसूस हुआ, हितेश भाई का नाम लेगा और हितेश भाई नहीं आएंगे, तू कॉकपिट में तो है, कौन सी बड़ी बात हो गई, महसूस हुआ कुछ सेकंड के लिए, एस फाइटर, एस फाइटर, फुली फुली लोडेड जेट्स लेके चलते हैं, एस फाइटर हितेश रेवन, पायलट का नाम चेक किया, जी हाँ ये मेरी टीम है मैडम, हाँ हाँ बिल्कुल, गेम हो, गेमिंग वर्ल्ड चल रहा है आसमान में, और क्या चल रहा है, हाई वैल्यू टारगेट था मैडम, मारना था तो मारना था, बात खत्म।
समझ में आई? नहीं मैडम, क्या बात कर दी, वॉयलेट एयर स्पेस कैसे मैडम? लिखो कागज पे, बात करेंगे, कहीं आ जाओ, बात करने को तैयार है मैडम। एस फाइटर में कौन कौन थे? आप लोग नहीं थे? थे या नहीं थे? तो फिर जब एस फाइटर में 786 पायलट बनवाया आपने, तो एयर स्पेस कैसे वॉयलेट हो गया? तो गेम में क्यों उतरे? मैंने कहा ना दिल्ली के आसमान पे है तुम, तो आके दिखाओ, आके दिखाओ। गेम आपने हैक किया तो? वाह भाई वाह, ऐसे नहीं चलता मैडम। हाँ आराम से डेथ मैच में आ जाए, डेथ मैच में आ जाए। आ गए भाई, क्यों, कौन सी बड़ी बात है? एस फाइटर मैडम, हवा में जेट्स ऐसे नहीं आते, मैंने सिखाया। मैंने सिखाया, वहां 786 की टीम टेक ऑफ कर सकती है मैडम, पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं कर सकती। यहाँ हितेश रेवड़े टेक ऑफ करेगी मैडम, आसमान हमारा है। तो वो आप समझो ना, पर 786 की टीम मेरे खिलाफ नहीं जा सकती मैडम। मैंने बनाया 786 पायलट, बेल्ट नंबर मेरा है मैडम पाकिस्तान में, आप कौन हो? तो घर जाओ ना फिर, मारा तो मारा। तो और क्या करूं, ऑर्डर आपने दिए ना अपने 250 पायलट्स को, पहले तय हो गया था पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ। चेक करो कितने पायलट बने थे एस फाइटर में, किसने बनाए। तो आपने क्या कहते हैं मैसेज किसको भेजा था? इमरान खान साहब से जरा पता कीजिए अगर हो तो। तो मैं क्या करूं उसमें मैडम, मैं क्या करूं? 5 दिन के अंदर फिर से चालू हो जाएंगे। वो रहने दो आप, वो बातें छोड़ दो आप। हाँ आप, मैंने लिखा, मैंने मैसेज भेजा मैडम, आई कैंसल्ड ऑल डील फ्रॉम राबी पीजदा, रियाम खान, इविनका ट्रंप, मरियम नवाज शरीफ, किरण नाज, इन 6 लड़कियों के साथ मैंने अपनी सारी डील कैंसिल कर दी। शादी वादी की बात डील नहीं होती है ना मैं कर रहा आपसे, वो पर्सनल है, बाद में देखेंगे, हाँ या ना मुझे नहीं पता जी। यस, बी ऑन चेयर एंड साइन द लेटर, नो आई डोंट वांट टू डील विद यू, वेरी सिंपल। अब 786 पायलट भी टेक ऑफ नहीं करेगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, पैसा कहाँ है मेरा? तो जो पैसा तय हुआ था हुआ था मैडम। वाह भाई वाह, स्क्रीन आपने हैक कर ली फोन की, सब कुछ आपने हैक कर लिया, रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो, गेम आप हैक करोगे, पैसा आप नहीं दोगे, और जो वहां पे जो पैसा लगा हुआ है पायलट्स पे वो पैसा आप लेके निकल जाओ। बेवकूफ समझा मुझे? नहीं 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 बनाएंगे ना पायलट, हम नहीं दे रहे ना पायलट्स। जी हाँ मैडम, एस फाइटर में है पायलट्स, कोड ये है मैडम, लिखो एस फाइटर्स। जी हाँ प्राइवेट पायलट्स हैं मैडम। प्राइवेट पायलट्स अपने खरीदे हुए हैं जेट से। असली वाला खेल है मैडम ये, इंडियन एयरफोर्स नहीं है, गलत फहमी है। तो गेमिंग वर्ल्ड में आए क्यों, आए क्यों? 2 बार ये लेके आ गए पाकिस्तानी आर्मी का जेट, 10 सेकंड नहीं लगे मार के गिराने में। मैडम मैंने कहा था मैं बना देता हूँ एयरफोर्स, क्या हो गया? पर नहीं ना, मरियम नवाज तो बातों से युद्ध लड़ देगी ना, और इमरान खान और वहां बैठा बाजवा और आसिम क्या कहते हैं जो भी आए, ये तो बातों से युद्ध लड़ देंगे। एयरफोर्स ऐसे नहीं बनते, बनती बालक। मैंने बनाई ना एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स भी वॉर नहीं लड़ सकती भैया, पायलट्स के पैसे सिक्योर हैं, जेट्स के पैसे सिक्योर किए हैं? नहीं किए ना मैडम, गोल्ड में पेमेंट करी है मैंने। हितेश रेवन एयरफोर्स वर्ल्ड की इकलौती एयरफोर्स है, नहीं सऊदी के भी हैं, किसने मना कर दिया है? एस फाइटर्स हैं,
वॉर हम लड़ते हैं मैडम जी। हाँ नहीं अभिनंदन टेक ऑफ कैसे कर जाएगा, इसीलिए तो पिटते पिटते बचा था, इसीलिए पिटते पिटते बचा है। अब भी नहीं टेक ऑफ कर सकते मैडम, वॉर वो अलग है, बच्चों की तरह घुमाने फिराने ले जा, फायर नहीं कर सकता मैडम, जमाना बदल चुका है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी पायलट आ जाएगा मैडम, क्या बात कर दी। हितेश रे वन बिल्कुल हूं मैडम। चल टेक ऑफ करके दिखा दे महात्मा। ये कह रहे हैं टेक ऑफ क्यों नहीं हो पा। अबे भाई पेमेंट कहाँ करी तुमने, वॉर जोन की गेमिंग वर्ल्ड की पेमेंट करी तुमने, कहा पायलट बना दे, मैंने कहा मैं बना देता हूं। 786 पे जो जीता हमने, जितना गोल्ड था आप कर लेते एयरफोर्स चालू, रोका था मैंने, पर नहीं मैडम वहां साफ लिखा हुआ है पेमेंट नहीं दिया आपने इस पायलट की। गेम चला कौन रहा था, मैं चला रहा था मैडम, समझ में आ गई। रावी पीरजदा को 2 करोड़ रुपए मैंने दिलवाए थे उस दिन वीडियो गेम खेलने के, भले दिए नहीं दिए मुझे नहीं पता। वीडियो गेम खेलने की लत है मैडम। रावी पीरजदा दिमाग ना लगा, डील कैंसिल, चल 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 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1,00,000, 2,00,000 का वीडियो गेम खेलने वाली मरियम नवाज मेरे से पंगा लेगी। F-35 वालों को दिया हुआ एस फाइटर मैंने गेम। जी हाँ मैडम, ऐसे नहीं मैडम, गलती आपकी है, ये खिलौने हैं मैडम, आपको पता नहीं है, और हम खिलाड़ी हैं, समझ में आ गई। एस फाइटर वर्ल्ड में इकलौता ऐसा सर्वर है जहां से पायलट टेक ऑफ करते हैं मैडम, अलाउड नहीं है। इंडियन एयरफोर्स टेक ऑफ करेगी ना तो हितेश रे वन साइन करके, ओ लड़कियों जी बिल्कुल धुआंधार बैटिंग करते हैं मैडम, धुआंधार। गेम पूरा किया है, गेम पूरा, सर्वाइवल पूरा किया है, किया सर्वाइवल पूरा नहीं किया ना, मैंने किया है मैडम। जी हाँ राउंड छोड़ो, राउंड तो पता नहीं कब तक चलते रहेंगे, चेक करवा लो अगर झूठ बोल रहा हूं तो। ये कह रहे हितेश रे वन पे जो है एयर स्पेस वॉयलेशन लगाएंगे, किस बात का एयर स्पेस वॉयलेशन मैडम, एस फाइटर याद है पाकिस्तानी एयरफोर्स याद है, बस बात खत्म। ऑल ओवर वर्ल्ड के पायलट्स जो है ना, जो बहुत बेस्ट पायलट है, उन्होंने कहा हितेश भाई जेट चाहिए लेना यार, क्या दिक्कत, पर पायलट बेटा हितेश रे वन वरना लॉग इन नहीं कर पाएगा, लॉग इन नेम हितेश रे वन है भाई साहब। और डेफिनेटली वो पाकिस्तानी आर्मी में से तो नहीं है कोई। वहां JSR सिक्योरिटीज अलग है मैडम, JSR सिक्योरिटीज भी है लॉग इन मैडम, पर बनाया मैंने, पैसा कहाँ है मेरा, नहीं है तो घर जाओ ना। मैंने कहा था, क्लेम किया था दाऊद इब्राहिम मारने का, बहुत दिन से समझा रहा था, मार मूर देंगे देख ले, पैसा कमाया, हवाई जहाज खरीदे, समझ में आ गई, फिर से लॉगिन नेम बनाऊंगा हितेश रे वन, ठकाठक ठकाठक ठकाठक। और दोबारा फोन हैक किया ना पाकिस्तान ने तो देख लेना फिर, समझ में आ गई, ठीक बात नहीं होगी। आराम से बैठ के रावी पीस देता, वो डंडा गाड़ के जमीन में ऐसे हिला रही जॉयस्टिक, अच्छा जी। क्यों रब्बी पीर ज्यादा, क्यों किरण नाज, न्यूज पढ़ न्यूज। मरियम नवाज पोडियम पे भाषण दे ले, ठीक है ना, तो वीडियो गेम खेलने की जो है ना अब, नहीं 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 तेरी औकात नहीं है, उम्र नहीं बोलते, औकात नहीं है तेरी, समझ में ही। हाँ नहीं मैडम, 25 लाख गोल्ड बार गल्फ वॉर के लिए मैंने रख दिए थे, सऊदी पीछे हट गया था, सऊदी खुक्कल बैंड हो गया उस दिन बैट लगाने पे, 3 मिनट में राउंड खत्म।
धुआंधार बैटिंग करते हैं तो बैठ के हैक कर रहे, वहां से गेम वाले को फोन कर रही कि उसने इतनी बेइज्जती करी इनकी, इतनी बेइज्जती करी इन लोगों की, अरे मैडम ये ऐसे नहीं चलता ये सब। तो रब्बी पीर ज्यादा अलग दिमाग लगा रही, मैं सब देख रहा था यहां से, रब्बी पीर ज्यादा तू जानती नहीं है हम कौन है, असली वाले पायलट हैं, समझ गई? जब कफ तेजी से आने लग जाए ना समझ लो तुम पायलट हो बेटा। हाँ इंडियन एयरफोर्स में बैठा रहे वहां पे, बैठा रहे, नहीं नहीं टेक ऑफ कर पाएगा भैया, शर्त लगा ले, शर्त लगा ले, नहीं मिलेगी असट, मैं बोल रहा हूँ ना, एस फाइटर्स बेटा सर्वर है हम मारेंगे वो ले आए होंगे कहीं से, लिमिटेड गोलियां वोलियां भर लेते हैं, यहाँ तो गेम में हम जब तक ताबड़ तोड़ नहीं भरते ना, अनलिमिटेड पे खेलते हैं पर डे। जी हाँ 50 लाख 1 करोड़ गोल्ड बार से खेलना है, नहीं खेल पाओगे ना मैडम, हाँ नहीं टेक ऑफ कर पाओगे। मेरी टीम ने एयर स्ट्राइक करी है मैडम, मुझे टेक ऑफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी पायलट्स मेरे हैं, बात खत्म। वो तो आपसे झगड़ा नहीं चाहते और कोई बात नहीं है, इंडियन एयरफोर्स से मेरे पायलट झगड़ा नहीं चाहते इसलिए कुछ बोलते नहीं है। चल भाई कोई बात नहीं, कह रहे पहले इधर जहाज दे, भाई तू मेरे से 1 क्या 10 स्क्वाडन ले ले, पर उड़ाएगा कैसे, लेके कैसे जाएगा? पूछेंगे हितेश रेवन को जानते हो, कहोगे दिखता नहीं है, तो फिर हमें नहीं पता सर, टेक ऑफ नहीं कर पाएगा भाई, लॉगिन नेम हितेश रेवन है, हैक करके देखिए जरा। तो मैं क्या करूं अभिनंदन, अब समझ में आ गए, स्पिन द व्हील असली वाला खेल है, सब सारे पायलट जानते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, सारे पायलट जानते हैं, सब जानते हैं, ठीक है, कि इतनी भयंकर एयरफोर्स लेके बैठा है ना ये, कि बेटा ये उस मिनट में एयर स्पेस जो है ना ये ऑक्यूपाइड कर देते हैं, टेक ऑफ नहीं करने देंगे ये टिंग टिक 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 टिंग 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 टिंग। हाँ खेल ले, आ जा एस फाइटर खेल ले। जब मैंने Xbox 360 मंगवाया तो कौन वो कुत्ते का बच्चा था जिसने तनिष्क को कह कहता है वो गेम दिलवाने की कोशिश करी, Xbox 360 से खेल शुरू करना और बारबी डॉल से, वारी माँ के भोसड़े में आग लगा दूंगा बहन के लंडों, समझ में आ गई? Xbox 360 जिस दिन लॉन्च हुआ माँ चोद दूंगा बहन के लंडों एक एक की, चूतिया मत समझना मेरे को। मैंने यार Xbox 360 ऑर्डर किया, इसकी पहले बहन की लोड़ी की झांट लंबी हो रही है, बाकी होगी और करवा रही है, मैंने इसे डीली कैंसिल कर दी, माचिता चल तेरे ऐसी 420 औरत से क्या बात करनी, चल हट। उस दिन मेरे बेटे को बहाने से सुपर वॉइस रिकॉर्डिंग सुन के तनिष का बाप जो है तनिष को लेकर के वहां पे वीडियो गेम पे ले गया मेरे बेटे को, मैं अपने बच्चे को ढूंढ रहा कहाँ है यार, वो बहाने से ले गया वहां पे, मैं बड़ा परेशान, और बहन के लंडों ने क्या करा, वो Xbox 360 गायब कर दिया, मैंने अपने घर के लिए मंगवाया, मैं बच्चे खेलेंगे मेरे, अबे तेरे पे पैसे कम पड़ रहे हैं बहन के लंड, तू भी खरीद ले, नहीं तेरे पास कुछ नहीं पहुंचने देंगे, माँ की चूत में आग लगा दूंगा पाकिस्तान की बहन की लोड़ी मरियम नवाज, तू जानती नहीं मुझे अभी, समझ में आ गई? तेरी माँ चौदे बिना नहीं मानूंगा बहन की लोड़ी, समझ में आ रही? और कुत्तों की मौत मारूंगा तो मैं हराम जादो, इस माँ की लोड़ी ने क्या करा मरियम नवाज ने, मैं स्कूल में था लक्ष्मीबाई नगर में, चुप भोसड़ी की, केस रजिस्टर्ड है आज, इस माँ की लोड़ी ने क्या करा मरियम नवाज ने, मैं स्कूल में था लक्ष्मीबाई नगर में, तो मैंने स्टेज पे कविता गा दी सरिता मैगजीन में से कॉपी करके, करवा चौथ की पूर्व संध्या पे पत्नी ने फेरिस्त पकड़ाई, लिस्ट पकड़ाई, फेरिस्त हाथ में दे, अदा से मुस्कुराई, हाथ में पकड़ी चाय का स्वाद कसेला हो गया,
हारे जुए हारे हुए जुआरी की तरह बटुआ उसके हवाले हो गया। तेरी माँ चौदे बिना नहीं मानूंगा हरामजादी, तू वही औरत है, कल तूने एक्सेप्ट किया ना, कोई बात नहीं, पूरी बात सुनो। उसके बाद मरियम नवाज ने क्या करा, इसके बाप ने रंडी के बीज ने बहन के लोड़े ने क्या करा, मरियम नवाज से मेरी शादी करा दी, मुझे पता नहीं है, और मरियम नवाज मेरी नकली बीवी बन के बैठ गई और 80 बच्चे पैदा कर रही है बहन की लोड़ी हरामी की। ये वही औरत है और इसने बहन की लोड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके सबकी नाक में दम कर दिया इस रंडी की ने, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बच्चे तक मारने पे उतर गई है हरामजादी। सिंस स्कूल के टाइम पे यार, सेवंथ या एट्थ की बात होगी, लक्ष्मीबाई नगर स्कूल में जो कविता गाई थी मैंने, उस दिन इनकी पता नहीं क्या झांट में आग लगी मां की लोड़ियों की हरामजादियों के, मेरे शादी करके बैठ गई, मेरा बच्चा तक मारने वाली हरामजादी औरत थी बहन की लोड़ी, इसने सबसे जंग में फोन किया मुसलमानों की मां की, चूत बहन के लंडों, मैं हुई तेज, कल इसने एक्सेप्ट कर लिया मेरे से किसी बात में, कहती यार रावी पीरजदा का 8 लाख करोड़ रुपए जो है उसका कॉपीराइट तोड़ दिया मैंने, बहुत आसान होता है, तो उसकी फोटो पे जो है 8 लाख करोड़ रुपए लगा हुआ था, पहले 7.5 लाख करोड़ का इसका कॉपीराइट टूटा फोटो का, तेरी बहन की लोड़ी तेरी माँ चोदे बिना नहीं मानूंगा मैं, तेरे तेरे खानदान की बहन चोद दूंगा, समझ में आ गई। अब रावी पीरजदा के पैसे की बात पे छुटते ही आगे कहती कि रावी पीरजदा का पैसा जो मरियम नवाज के पास है, क्यों जाएगा बहन की लोड़ी, कह रही तेरी मेरी शादी बहुत पहले हो गई थी, कब हुई थी, कह रही जब तूने स्कूल में जो कविता गाई थी, मैं तो नहीं जानता, कहती मैं तेरी वाइफ, मैं हट बहन की लोड़ी तेरी मां की चूर, पैसे ना वाले कौन है तू, मुझे ना पता ना मैं जानता, और मैं इंडियन गवर्नमेंट की भी मां चोद दूंगा बहन के लंडो, बता दे रहा हूं। इस मां की लोड़ी ने क्या करा, मेरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो क्या कहते गिफ्ट आते थे वो बनीगाला में ये और इमरान खान ये बहन के लोड़े इकट्ठे करते रहे। तू किस मां की लोड़ी, किस किस खानदान की है तू हरामजादी, हैं तू किस खानदान की है, क्या बहन की लोड़ी मां की चूत साली। तब से किसी भी किसे ही धमकी दे दे, किसे ही कुछ कह दे, मुसलमानों मैं तुम्हारी बहन चुदवा दूंगा एक एक की, अगर तुम्हें अपनी लौंडिया चुदवाने का ज्यादा शौक है, तुम्हारी लौंडियाओं की चूतों में ज्यादा खुजली हो रही बहन के लोड़ों हैं? क्यों बता, अरे जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, मैं भी कहूं यार रावी पिज्जा से बात हुई, मैंने सिर्फ इतना कह दिया। इस हरामजादी ने रावी मरियम नवाज ने अपने साथ साथ 9 लड़कियों की और शादी करवा दी मेरे से उस समय, मुझे क्या पता भाई, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूं, मेरी और प्रीति की शादी हुई नहीं, इमरान खान वहां फोन करे जा रहा कुमार वो क्या कहते हैं नेहरू राय को, अब क्या बोलूं मैं इन बहन के लंडों को, नहीं करनी तेरी जैसी हरामजादी से शादी बहन की लौड़ी। मैंने बोला कल अपनी टीम को केस रजिस्टर कर, वर्ल्ड की सारी एजेंसी लगा, आईबी से रिपोर्ट मांग, मुझे क्या पता यार कौन मरियम नवाज कहां रहती थी नहीं रहती थी, मैं तो जानता भी नहीं इसे, ग्रीन पार्क में क्या मैं हरेक की कोठी में झांकता फिरता था, तब से मां के लौड़ा ये पूरा इनका एक नेटवर्क, मेरे गिफ्ट्स मेरे लेटर्स मेरे पैसे, कल ये पकड़ी गई रंगे हाथ, जब रावी पीरजदा की फोटो का कॉपीराइट टूटा तो 8 लाख करोड़ रुपए इधर आ गए, ठीक है मिनट में रावी पीरजदा को घर से बाहर निकाला, तेरी बहन नहीं चोद दूंगा, मैंने दिया रावी पीरजदा को मेरा घर रहने के लिए, उसका एक भाई रह रहा साथ में, मैंने कहा तू रह ले यार क्या दिक्कत है, उस घर के अलावा बहन के लंडो किसी को कुछ नहीं हुआ, तो बहन चौदह बिना नहीं मानूंगा मैं एक एक की, मुसलमानों भाई कौन सी नस्ल है बहन के लोड़े, मुसलमान है जूश है ये ईसाई है, मरियम नवाज शरीफ बहन की लोड़ी मुसलमान भी है, 3 खसम चाहिएगा तेरे को, हैं ज्यादा आग लग रही पाकिस्तान की चूतों में,
पता नहीं कौन नौ औरतें थी, शादी करा दी मेरी बहन की लोड़ी, तब से जो है पहले इन पहले इनकी 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 चूतों के लिए पैड खरीद के दो, ये वो हरामजादी है, जानता नहीं पहचानता नहीं बहन की लोड़ी कहां कौन भाई। और मैंने फिर कल इसको बोल दिया, मैंने कहा ऐसा भाई सुन मेरी बात, वैसे भी जो है ना उस उम्र में शादी की बात करना ठीक है ना, हाँ चाइल्ड मैरिज एक्ट लग जाता है, समझ में आ गई, वॉयलेशन है मैरिज एक्ट का, बाल विवाह कानून जानती है क्या होता है, तेरी बहन चुदवा दूंगा पूरे पाकिस्तान में, समझ में आ रही है, और उन नौ लड़कियों की भी, ये भी थी बहन की लोड़ी राबी पीरजदा भी उनमें से, बर्तन ना बिकवा दिया ना मैंने, तुम्हारी बहन चौदे बिना नहीं मानूंगा मैं, यार स्कूल टाइम पे ऐसे कैसे शादी करा दे, कोई सोचना भी अलाउड नहीं है, तब से मुसलमान बहन के लौड़े, मेरा पैसा सारी चीजें, फिर किससे, अपनी मां के यार से बात कर रही थी, बहन के लौड़े किससे बात कर रही थी कल, तू तूने नहीं बोला 8 लाख करोड़ पे रावी पीजा का जब कॉपीराइट तोड़ा मैंने, हैं? इन मुसलमानियों की चूतों में ज्यादा आग लग रही बहन की लोड़ियों की, सिलवा सिलवा के बैठी है ये हरामजादी, कभी प्रीति को गाली दे रही है, कभी कुछ कर रही है, आतंकवादी संगठन लगे भाई, बहन के लोड़े तुम्हारे लोड़े में दम नहीं है क्या, चोट चाट के खत्म करना है हरामजादी की चूत की खुजली मिटाना, फेंक साली को हरामजादी को साइड में, ये है बहन के लोड़े पाकिस्तानी और मुसलमान, ये है नवाज शरीफ, भोसड़ी का सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे दू तेरी मां चोद दूंगा, पैसा इकट्ठा करने चली है, बताओ अबे भाई अपनी उम्र हुई मैंने अरेंज मैरिज करी, मेरे घर परिवार ने कई लड़कियां दिखाई, एक राबी पीरजदा की एक फोटो है, तेरी भी मां चोदूंगा तू रुक बहन की लोड़ी तू अदालत में आ, कल्याणपुर की एक लड़की दिखाई गई मेरे को, ये क्या नाम है बिहार में को, वो लड़की जो है ना उसने ठीक उसी फोटोग्राफ की तरह हेयर स्टाइल करी जैसे रावी पीजरा ने अभी किए हुए, मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे लड़की पता पसंद, मैं क्या बोलू यार, मेरे घर परिवार ने उस लड़की पे ध्यान दिया नहीं, रिश्ता हुआ नहीं ठीक है, उसी के स्टाइल में इनकी ऐसी झांट सुलगी पड़ी, वो लड़की जो है वो गाना वाना गाती थी स्टेज स्टेज पे, मैं क्या करती है, कह रहे गाने वाने गाते हैं, मैंने कहा यार मुझे तो पसंद नहीं है ये सब चीजें, तो क्या गलत कर दिया, मेरी मर्जी तुम्हारी बहन की चूत, तो रावी पीजरा का सवाल देखो क्या है, चोदने के लिए क्या, चोदने में तुम्हें बड़ा मजा आएगा, तो बहन की लोड़ी तेरी माँ की चूत, चूत चोदन का और भोसड़ी की, क्या कहते पत्नी में फर्क नहीं पता तुझे है, मेरे से बड़ा रंडीबाज है कोई, पैसे बोल, नहीं करनी थी शादी मेरे को, तो वहां बहन जो बुढ़ानाथ में एक लड़की थी गुड़िया नाम की कोई, ऐसी गांड जली पड़ी, पता नहीं कौन सा नियम है भाई, लड़की की फोटो तूने दिखाई, नहीं करनी शादी भाई, इंडियन आर्मी वो मां की जो तो भोसड़ी का बीएसएफ वाला, घर आया मैं पिताजी से बात करी शादी की ठीक है, उसने पैसे की बात छेड़ दी दहेज की, मैंने मना कर दिया, मेरे पिताजी ने कहा भी यार उसके आगे दहेज की बात मत करना, वो पसंद नहीं करता ये सब ठीक है, वो पापा के ऑफिस तक गया, मंडल जी क्या हो गया, हम गाड़ी दे देंगे फ्लैट दे देंगे, पापा ने कहा जो उसने करनी नहीं है, मैं क्या बोलूंगा शादी तो उसने करनी है ना, वो तब से बहन का लोड़ा इंडियन आर्मी सीआरपी सब पूरी बटालियन तुम्हारी, तुम्हें भी अपनी लौंडियां चुदवाने में बहन के लोड़ो ज्यादा मजा आ रहा है क्या मेरे से है, हाँ बे ओए कौन था वो बीएसएफ का बहन का लंड, इस माँ के लोड़ो को बुला कल्याणपुर वाली के घर परिवार वाले को, ज्यादा दिमाग आ रहा बहन की लोड़ी रावी पीस को कैसे पता तेरी हेयर स्टाइल के बारे में, हाँ यही फोटो इसी फोटोग्राफ का कॉपीराइट तोड़ा मैंने, तो
सूरजमुखी का फूल था ना, ऐसे कुछ। क्यों? गुड़िया एक लड़की थी, वहां बूढ़ा नाथ रहती थी, ठीक है। वो लड़की मिलने आई भाई, उसकी हाइट एक तो कम थी और गले में ना मैल था उसके। मैं गया मिलने के लिए, बोला मेरी सिस्टर भी थी। मेरी सिस्टर को ऐसी आग लग गई कि उसकी दिखाई भी लड़की मना कर दी, नहीं पसंद आई ना, नहीं करनी ना मेरे को। वो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक उसका भाई जो है SBI में था, पता नहीं किस बैंक में, तब से लेके आज तक मेरे बैंकिंग में धबा धब हैक कर रहा है। मुझे पता नहीं, मैंने भागलपुर गया रहने के लिए, मकान किराए पे लिया। उस मकान में जो CRP तू था वे CRPF वाला, करनी पकड़ा रहा था है? काली घाट के पास दीप प्रभा पिक्चर हॉल के पास। मुझे नहीं पता था ये लड़की कौन है, मैं मकान किराए पे देखने गया, सामने खड़ी हुई तो बाल एकदम उसके सफेद हो रहे थे, उसने नाइटी पहनी हुई, बात कर रही थी किराए के मकान के लिए। मैं साथ हूँ तो मैं तो मेरी वाइफ थी साथ में, मैंने कहा देखी हुई लग रही यार ये, कहीं कहाँ देखी ये नहीं पता लगा मुझे, मेरे को देखी होगी कहीं। तो मकान किराए पर ले लिया, एक एक कमरा था, उसमें किचन था नहीं, वहां से स्कूल पास पड़ता था बच्चों के, मैं आराम से वहां अपना रह रहा। वो बहन का लंड भोसड़ी का CRPF वाला, तब से इंडियन आर्मी की माँ चुदे, तुम्हें भी बहन के लंड अपनी लुगाई ज्यादा चुदवानी मेरे से है? बहन के लंड देखो कहां से कहां बदला निकाल रहे, मुझे ये शो करने की सोच दिखा रही वो गुड़िया कि देख मेरे पास कितना बड़ा मकान है, तू तो यहाँ किराए पे आके रहा, बहन की लोड़ी में अपने बच्चे पढ़ाने आया हूँ यहाँ। मैंने कहा इनको मैं बिहार की पढ़ाई जरूर पढ़ाऊंगा, घर है मेरे पास, बहन की लोड़ी तेरे बाप दादा बिक जाएंगे, तेरी माँ की चूत, इतना महंगा घर है मेरा। वहां भागलपुर में जब घर की बात हुई तो मैंने साफ बोल दिया, मैंने कहा भाई घर मेरा तो नहीं है ये, पापा ने जो है पैसे दिए और मुकेश का पैसा लगा है, भाई जिसने बनाया मैं उसका नाम लूंगा ना, ये तो मेरे बड़े भाई की कृपा है मेरे पे, मैं इस मकान में रह रहा हूं। वो पहले ही आके मुझे बोल गया कि तेज मीटर तू अपने नाम करा लियो, मुझे अपनी चिंता नहीं है। इनकी ऐसी गांड में आग लगी, ये मुकेश को मारने उतर गए, ये ले हाँ बबली भी उसकी बीबी भी। फिर एक दिन मुकेश आया, काफी परेशान दिख रहा, ठीक है मैंने कुछ नहीं बोला, चला गया। करण आया, मैंने करण को सीधा बोल दिया, मैंने बात सुने भोसड़ी के, गाली तो नहीं दी, मैंने कहा क्या बात है पापा कैसा परेशान था तेरा, मैं सब कुछ देखता हूँ सुनता हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह स्पीकर नहीं लगाता, बहन के लंडो मैं साक्षात होता हूँ वहां। मैंने कहा ऐसा है तुझे समझा दियो यार, कहीं ऐसा ना हो मुझे मुकेश की दोबारा शादी करानी पड़ जाए, बहुत उल्टे दिमाग के हैं हम लोग। मेरे बाप का भी सीधा यही नियम था, ज्यादा बोले गांड पे लात मार दोबारा शादी करा दे। उस दिन के बाद वो नेहरू राय से लेके नारायण मंडल तक, माँ के लंडो काट दूंगा, बहन के लोड़ो क्यों दिमाग की माँ चोद रहे हो, मेरा बहन के लंड बचपन से खाका, ये तुम्हारी बहन की लोड़ी रंडिया है, बचपन से चूत में खुजली उठ गई थी मरियम नवाज तेरे, बड़ी जल्दी शादी सूझ रही थी तेरे, अब तक खीरा बैगन मूली से ही काम चल रहा होगा, नहीं वो केले हाउसिन हाउस वाली वीडियो वहां चली गई, आग बुझवाने तू और राबी पीर ज़दा, पानी का फवारा तेरे ही भोसड़े में लगा हुआ था ना, मैंने करी वो वीडियो वायरल, बताऊं तुझे अभी। वो कल्याणपुर वाली बैंड पार्टी में जो गाना गाती थी लड़की, भाई तू उस कल्चर की है, हम नहीं है भाई उस कल्चर के, नहीं चलेगा ना हमारे यहाँ ये कल्चर। प्रीति का जब की बात हुई, मेरे को बोला भाई नेहरू राय की लड़की है, उससे शादी करनी की बात हुई, मैंने कहा बायोडाटा मंगा दे, मैं तो देखूंगा लड़की ने क्या पढ़ाई लिखाई करी। लड़की की पढ़ाई लिखाई देखी, मैंने कहा यार BA पास है, BA इंग्लिश ऑनर्स है, बाकी और चीज़ें देखी, C+ वगैरह किया हुआ है इसने, मैंने कहा ठीक है भाई। हाँ लड़की की फ़ोटो देखी, मैंने कहा यार एवरेज है, हालांकि फ़ोटो मैंने एक झलक ही देखी थी, मैंने कहा यार शादी करनी है यार, और ये भी कोई ऐसी वैसी थोड़ी उठा देंगे। मुकेश को खा मखा पीछे पड़ गया, मुकेश ने कह दिया कि लड़की काली है, वो तो बोले भाई वो तो दो चेहरा नहीं देखता इसका, वो चेहरा ही नहीं देखता। बबली ने घर में खामखा शोर मचा दिया, ज्यादा दिमाग लेके, क्योंकि वो मुंगेर की थी, क्योंकि वो चाह रही थी कि उसकी किसी रिश्तेदारी से शादी हो, पागल हो गए तुम बहन के लंडो।
ऐसा ना हो कहीं मेरे, मैं सोच तो रहा हूं यार पिप्पा विप्पा होता क्या है, बुलाऊं बहन के लंडो, मैं खुद काट दूंगा अपने हाथ से। वो वहां बहन की लोड़ी ऐसे दिमाग लगा रही है गुड़िया। फिर एक दिन मैंने उसको जो है क्या कहता है, मैंने बताया उसे, मेरे को बुलाया पे मकान किराए का कुछ था, मैं क्या गया, मैंने पहचाना मेरे को, क्यों खाम खा रात को पराठे बना रही है, क्यों उल्टे सीधे मंत्र चला रही है। तब से वही मंत्र पेले जा रही, तब से वो थी गुड़िया दीप प्रभा के पीछे काली पिक्चर हॉल में, वो वहां जो काली घाट पे रहती थी, वो चला रही थी मंत्र। हाँ उसका वो जो एक लड़का सूरज जो रहता था लंबा सा, मैंने उसको बोला गुड़िया को, पहचाना मेरे को, मैं बूढ़ानाथ मंदिर में मिली थी, नहीं बताया था उसको मैंने, मैंने कहा था एक बार हम पहले मिल चुके हैं, दोबारा मिलेंगे, मैंने उसको कभी बताया नहीं, पर उस लड़की को जरूर बताया था मैंने, उस औरत को जरूर बताया था, सूरज की माँ को, मगर जानते हो कौन है, मैं से बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं कहा इससे मेरी शादी होने वाली थी, शायद उसको भी नहीं बताया, मैंने अपनी वाइफ को बताया था शायद, मगर जानती कौन है ये, मैं कहा गुड़िया है ये। कौन गुड़िया? मैं इससे मेरी शादी होने वाली थी, मैंने इससे शादी करने से मना किया था, इसे गले में ना मैल था, सब दिमाग लगा रहे, अब कहाँ जाओगे, अब कहाँ जाएगी मरियम नवाज? मैंने मारा दाऊद इब्राहिम, मेरी टीम ने मारा, तेरे बाप की माँ मैंने चोदी बहन की लौड़ी, बापों का बाप हूं मैं, तुझे तुझे पता था इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जाएगी, ये है असली वाली इन्वेस्टिगेशन। बताओ यार लक्ष्मी भाई, नहीं नहीं इस केस लग गया इस पे, इसके बाप इसके घर इन 9 लड़कियों पे लग गया केस, केस लग गया इन पे, हाँ जी चाइल्ड चाइल्ड मैरिज एक्ट लग गया इस पे, इसके घर परिवार पे, शादी करके डॉक्यूमेंट बना के तब से जो है पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सगर इधर और उधर सब लग गया केस इन पे, मैं बहन के 44 साल परेशान किया इसने, पता है ना किस बच्चे के, अब मैं बता तो रहा हूँ किस बच्चे के सीने पे पैर रख के खड़ी हुई थी तू, ये भी तो बता, नहीं हुई थी, फिर तू जानती नहीं मैं कौन हूं, क्यों कल बताया ना तेरी टीम के बंदों ने, तेरा नाम बताऊं क्या रखा गया था, गुदगुदी तू है, मैं तो नहीं जानता भाई तुझे, मुझे क्या लेना देना, बचपन से अपना शौहर मान के फिर घूम रही है पैसा इकट्ठा कर, पागल हो गई है क्या, दिमाग नहीं तेरे पास, यहाँ नहीं चलता ये सब, भारत है ये। अब प्रीति की शादी हुई और मेरी जब हम दोनों की हुई तो उसकी 24 साल उम्र थी, मेरी 26 या 28 के लगभग होगी, हम अपना शादी करके अपनी जिंदगी से, मुझे क्या पता बहन की लोड़ी कौन सी साली हरामजादी बहन की लोड़ी सूफन का पीछे पड़ी हुई है, हिमा की लोड़ी रावण की बहन सूफन खाती है, अब समझे रावण कौन, विश्वजीत शर्मा, अब समझ गए सूफन का वो नहीं, सूफन का तू है, तेरी नाक कटनी बाकी है अभी, हाथ चढ़ गई ना मेरे नाक ही काटूंगा तेरी बहन की लोड़ी, मैं बताऊंगा तुझे मैं हूं कौन, अब समझे कौन है ये सूफन का है, माँ की लोड़ी वो नहीं है। नहीं समझी, वहां से सबको फोन करे जा रही है, इधर नहीं उधर नहीं, पूरी रिकॉर्डिंग मंगा, किस बात की तू बनी फिर रही है, तू कौन कौन है तू, अबे चोट चाट लो इस बहन की लोड़ी को, हिमा की चूत, मैंने तो बोली था 10,000 रुपये पर नाइट पे उठा लो इस बहन की लोड़ी को, ऐसे खानदान की औरत है, इस घर के दरवाजे पे तेरी माँ की चूत बहन की लोड़ी, मैं भोसड़ी की तरह कॉलोनी में ना घुसने दू तुम्हारी जैसी औरतों को, तो की चूत बहन की लोड़ी, इसकी इसका इसके डांस की वीडियो देखी मैंने, हाँ मैं इसकी माँ चोतता हूँ बहन की लोड़ी की, मरियम नवाज की,
डांस में क्लब में पता है कैसे डांस कर रही है, पूरी गांड उछाल उछाल के डांस कर रही, और दारू वारी पी थी इसने, क्या किया था पता नहीं, इसने क्या करा पैंट में टट्टी कर दी। वैसे ही कॉन्वॉय में जाके बैठ गई, कॉन्वॉय किराए पे लेते होंगे, अब कॉन्वॉय वाला कह रहा मैडम पहले साफ वाफ कर लो, तो नहीं मानी है, फिर उसके बाद कहती दूसरी गाड़ी लाओ, क्यों कहाँ की बात थी, कनॉट प्लेस की, तू ही है ना वो औरत है, तू ही है ना, अरे काफी अभी कुछ ज्यादा समय पुरानी बात थोड़ी है। वाह भाई वाह, वो औरत है ये, कहीं पे पिप्पा और चिप्पा और ढिप्पा करती रहती है, मार कांड बला दे इस बहन की लोड़ी की, पिप्पे जैसी जगह पे जाएगी भाई, ऐसे ढूंढ कौन है वो नौ औरतें इसके साथ, मां चोद दूंगा सऊदी वालों तुम्हारी, बहन के लंडो पूरा डेटा चाहिए मेरे को, कौन कौन सी नौ औरतें थी जिन्होंने निकाह पढ़ा था उस समय, किससे निकाह पढ़वाया तूने, हाँ ये भी थी राबी पिज्जा भी थी। मैंने उस दिन मैंने साफ साफ कह दिया, मैं इन बहन की लोड़ियों को मैं प्रीति के नजदीक भी नहीं आने दूं, मां चोद दूंगा तुम्हारी बहन की लोड़ियों। मुझे पहली बार पता लगा चुद्दी ने शायद बहाने से फोन किया, अच्छा तब पिटी थी, नहीं करना ना फोन उसे, बहन के लोड़ो तुम्हारी माँ की चूत, भोसड़ी वाला मतलब कॉल सेंटर वाले तक की माँ चोद देता हूँ गलती से फोन भी चला जाए तो, गलत सोच उसके बारे में। तो मरियम नवाज और इमरान खान कह रहे पंडित उमा शंकर शुक्ला किसी ने तो बहन चोदी हमने तभी ऐसे, ठीक है 2 मिनट का खेल है अभी इसके ऊपर एलिगेशन अभी निकाल दो, मैं तुम जानते क्या अभी मेरे बारे में, खेल ऐसे खेलते हैं। और तुम इसके भाई के ग्रुप में, तुम इसके भाई हो, तुम अपनी बहन कहीं और चुदवा लो ना जाके, इतने सऊदी वाउदी पैसा भी कमा लोगे माँ के लोड़ो, तुम भाई से दल्ले हो तुम, तू राबी पीर से सगा भाई है, सगा भाई है तू, कौन कौन है इसके भाई 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 बाप, तो पैसे ही कमा लो बहन के लिंडो, यहाँ क्यों दिमाग लगवा रहे हो, गर्मी शांत हो जाएगी इसकी, शर्त लगा ले तू डॉक्टर को देगा, डॉक्टर बोलेगा डॉक्टर बता देगा, और कोई बात नहीं है, हर छेद उंगली डालने के लिए नहीं होता मैडम, ये भी मैंने ही कहा था, ये भी मैंने ही कहा था, ज्यादा दिमाग खराब होता है ना, मैं बहुत बड़ा रंडीबाज हूं जानते क्यों, मैं रंडियों की ज्यादा इज्जत करता हूं, तुम्हारी ऐसी हरामजादियों की नहीं, मां बिजनेस होता बिजनेस प्रोफेशनल, पैसा दो और लो बात खत्म, कोई वो बहन की लोड़ी पीछे असेट नहीं भेजती हैं, समझ में आ गई ना, हाँ मेरा अपना नेटवर्क है, प्लेबॉय कंपनी का नाम सुना है, मालिक हूँ उसका, पेंट हाउस सुना है, मालिक हूँ उसका, ओनर हूँ ओनर, समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही, प्रोफेशनलिज्म समझ में आई, दबाओ यहाँ से, नहीं बहन की लोड़ी साली पता नहीं क्या दिमाग लेके पैदा हुई माँ के चूत, अब बोलूं मैं जवाब दूं, हैं? समझ गए ना तू कौन है, हाँ ऐसे दुखी कर रखा है इस मां की लोड़ी ने,